जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है श्राद्ध पक्ष के समय में क्यों नहीं किए जाते हैं शुभ कार्य, जानेंगे आज के वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य क्यों हैं वर्जित। मित्रों, श्राद्ध पितृतव के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। सनातन धर्मानुसार प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ करने से पहले माता पिता तथा पितृगण को प्रणाम करना हमारा धर्म है, क्योंकि हमारे पुरखों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज जीवित रहे हैं। सनातन धर्म के मतानुसार हमारे ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्म में संपादित 24 पक्षों में से एक पक्ष को पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष का नाम दिया गया है। मित्रों, पितृपक्ष में हम अपने पितृगण को श्राद्ध कर्म अर्ध्य तर्पण तथा पिंड दान के माध्यम से विशेष क्रिया संपन्न करते हैं। धर्मानुसार पितृगण की आत्मा को मुक्ति तथा शांति प्रदान करने हेतु विशिष्ट कर्मकांड को हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित क्यों है? हमारी संस्कृति में श्राद्ध का संबंध हमारे पूर्वजों की मृत्यु की तिथि से है, अतः श्राद्ध पक्ष शुभ तथा नए कार्यों के आरंभ हेतु अशुभ काल माना गया है। जिस प्रकार हम अपने किसी परिजन की मृत्यु के बाद शोकाकुल अवधि में रहते हैं तथा शुभ नियमित मंगल व्यवसायिक कार्यों को एक समय अवधि तक के लिए रोक देते हैं, इसी प्रकार पितृपक्ष में भी शुभ कार्यों को रोक लग जाती है। मित्रों, श्राद्ध पक्ष की 16 दिनों की इस अवधि में हम अपने पितृगण तथा हमारे पितृगण हमसे जुड़े रहते हैं, अतः शुभ मांगलिक कार्यों को वंचित रखकर हम पितृगण के प्रति पूरा सम्मान एवं एकाग्रता बनाए रखते हैं। मित्रों, धर्मानुसार पितृ ऋण शास्त्रों के अनुसार मनुष्य योनि में जन्म लेने ही व्यक्ति पर 3 प्रकार के ऋण समाहित हो जाते हैं। 3 प्रकारों के ऋणों में से एक ऋण है पितृ ऋण, अर्थात धर्मशास्त्र में पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म अर्ध्य तर्पण तथा पिंड दान के माध्यम से पितृ ऋण से मुक्ति का रास्ता बतलाया गया है। पितृ ऋण से मुक्ति पाए बिना व्यक्ति कल्याण को नहीं प्राप्त होता है। शास्त्रानुसार पृथ्वी से ऊपर सत्य तप महाजन स्वर्ग भूमि ये 7 लोक माने गए हैं। इन 7 लोकों में से भूलोक को पितृलोक माना गया है। मित्रों, श्राद्ध पक्ष की 16 दिन की अवधि में पितृगण पितृलोक से चलकर भूलोक को आते हैं। इन 16 दिन की समाप्ति में पितृलोक पर जल का अभाव हो जाता है, अतः पितृपक्ष में पितृगण पितृलोक को भूलोक आकर अपने वंशजों के तर्पण करवाकर तृप्त होते हैं। अतः विचारणीय विषय यह है कि जब व्यक्ति पर ऋण अर्थात कर्जा हो तो वो खुशी मनाकर शुभ कार्य कैसे संपादित कर सकता है। मित्रों, इसी वजह से श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। मित्रों, पितृ ऋण से मुक्ति, शास्त्र कहता है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई कर्म नहीं है। जो व्यक्ति विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर घास तक सभी प्राणियों को संतृप्त कर देता है तथा अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्ति पाता है, अतः स्वयं पर पितृत्व के कर्जों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मित्रों, ये थी श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य क्यों होते हैं वर्जित एक छोटी सी जानकारी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री श्याम।